हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। फेस्टिव सीज़न आ गया है, नवरात्रि चली गई, इंडिया पाकिस्तान का मैच चला गया। और वैसे हाँ, मैंने नवरात्रि में सोचा था कि आई विल मेक अ व्लॉग, बट मेरे क्या मैं बताऊँ, मेरे फ्लाइट्स और उसके बीच में गरबा खेलना, 3 दिन तो मैं बाहर ही थी। मैं फ़्लाइट कर करके आती थी, फिर मैं गरबा खेलने जाती थी एंड ऑल, तो वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया था। स्टिल आई सम हाउ मैनेज टू सेलिब्रेट नवरात्रि एंड गरबा नाइट्स इन अहमदाबाद, विच आई रियली इन्जॉयड। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का वाइब भी काफ़ी अच्छा है, बट हमारे बिहार का अलग ही वाइब है, वहाँ दुर्गा पूजा का अलग ही वाइब है, बड़े बड़े मेले ये वो, यार मज़ा आ जाता है उधर तो। और इधर मतलब इधर का भी वाइब अच्छा था, हर जगह का अपना 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 सब होता है एंड आई रियली लाइक दैट। उसके अलावा फेस्टिव सीज़न इज़ अराउंड द कॉर्नर, करवा चौथ चली गई एंड अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप को साइड में रखते हैं, छठ पूजा आ रहा है। छठ पूजा, ओ माई गॉड, द डे आई वेट, ऐसा दिन जिसके लिए मतलब आई वेट होल ईयर, मैं पूरे साल इंतज़ार करती हूँ इस दिन का कि कब छठ पूजा आए फाइनली, एंड छठ पूजा इज़ फाइनली हेयर, नॉट हेयर, काउंट डाउन बिगेंस एंड आई लिटरली वेट लाइक 15 डेज लेफ्ट, 18 डेज लेफ्ट, 16 डेज लेफ्ट एंड मैं क्या बताऊँ यार, वर्ड्स में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। एंड बिग न्यूज़ इज़ मेरा टिकट कन्फर्म हो गया एंड आई एम कमिंग टू भागलपुर फाइनली आफ्टर 4 or 5 मंथ्स एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड। और आज का ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट आई एम स्टार्टिंग माई पैकिंग एंड ऑल, क्योंकि मैं चाह रही हूँ ट्रेनिंग के लिए दिल्ली। मेरा टिकट कन्फर्म हो गया है एंड आई एम गोइंग माई होम छठ पूजा। एंड मैंने सोचा था कि मैं दिवाली पे किसी तरह अरेंज करके मैं घर चली जाऊँ, बट मेरा किस्मत एज यू ऑल नो, तो मेरा ट्रेनिंग आ गया है, नॉट ट्रेनिंग बट मेरा रेग्रेंट आ गया है। बेसिकली जब आप कंपनी के साथ 1 साल कंप्लीट करते हो तो आपको वापस से आई फ्लाई जाना पड़ता है जहाँ पर आपने ट्रेनिंग ली है, आपने स्टार्ट करा है सब कुछ। तो मेरा वही रेग्रेंट आ गया है बिकॉज आई कंप्लीटेड 1 ईयर विथ इंडिगो, मैंने इंडिगो के साथ 1 साल कंप्लीट कर लिया है, तो मेरा रेग्रेंट है। मतलब वापस से वो आपको सब कुछ रिवाइज कराते हैं, 5 से 6 दिन का होता है ये ट्रेनिंग, आपको वापस सब कुछ रिवाइज कराते हैं, फिर आपका एग्ज़ाम होता है। और गेस व्हाट, मैं दिवाली में उधर ही रहूँगी, बट कुछ नहीं कर सकते, मैं अभी दिल्ली निकल रही हूँ। मतलब आज तो मेरी फ़्लाइट है और कल मैं दिल्ली जा रही हूँ, आज मैं पुणे जा रही हूँ, पुणे जा कर फिर मैं वापस आ जाऊँगी रात में। बट मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, मैंने शॉपिंग भी की, बहुत सारी मैंने शॉपिंग की है। मेरे बैंक बैलेंस में आग लग गई है, फिर भी मैं ऐसे मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं जब घर जाती हूँ तो आई थॉट कि सब कुछ एकदम ऐसे परफेक्ट होना चाहिए। उनके लिए गिफ्ट्स खरीदे हैं एंड ऑल, मेरा लगेज तो ऐसा बिल्कुल फुल हो गया है अभी से, पता नहीं उसमें बाकी का सामान मैं कैसे रखने वाली हूँ, बट आई एम सो एक्साइटेड। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब मैं घर के लिए अपना पूरा पैकिंग करती हूँ एंड ऑल, आई एम सो एक्साइटेड कि बस यार वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आई एम अ गर्ल, मैं ऐसी लड़की रही हूँ बचपन से जो मैं कभी घर से दूर ही नहीं रही हूँ, बट अब मैं इतने महीने में घर से दूर रहती हूँ, तो मतलब मुझे काफ़ी ये होता है, जब लगता है जब मैं घर जाती हूँ उसके लिए पैकिंग, उसके लिए तैयारियाँ, ओह माय गॉड, मेरा क्या मैं बोलूँ, मेरे रूम की ऐसी हालत हो गई है, मैं ऐसे शॉपिंग कर करके सब कुछ ऐसे ही फेंक दे रही हूँ यहाँ पे। बट आज मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग की है, मुझे बाकी की और पैकिंग करनी है, क्योंकि ये ट्रेनिंग के चक्कर में ना सब बर्बाद हो गया एंड इट वॉज अ सरप्राइज़। जैसे मेरा अगले महीने का रोस्टर आया, आई वॉज सरप्राइज, मेरा होल सारा का सारा मेरा रोस्टर इज़ लाइक ट्रेनिंग एंड उसके बाद PL। सो मैं इस महीने तो बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे ट्रेनिंग है, मेरे PLs है एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी, आई कांट एक्सप्रेस इट। तो चलते हैं, अभी मैं सोकर उठी हूँ थोड़ी देर पहले, आई विल हैव समथिंग एंड उसके बाद फिर पैकिंग करेंगे थोड़ा बहुत, फिर देखते हो अगर मुझे दिन में थोड़े बहुत सामान और बचे हैं तो मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग और करूँगी दिन में अगर मुझे टाइम मिला। दिवाली वाली ख़त्म होगा, उसके बाद मुझे तुरंत ऐसे घर निकलना है, तो मेरे सर पे इतना सारा लोड आ गया, मैं इतना कुछ अकेले कैसे मतलब अरेंज करूँ।
फिर भी स्टिल आई डू इट, आई हैव टू डू इट, नो ऑप्शन लेफ्ट, सो लेट्स गो. मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, मैं इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा बकबक कर ली, इसी में मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. तो आई एम सो एक्साइटेड, आई एम गोइंग होम, ओह माय गॉड. एंड दिस इज़ द मेस दैट आई हैव क्रिएटेड इन माय रूम. लिटरली पैकिंग के चक्कर में पूरा ऐसे 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 पूरे कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, तो मुझे भी ये सब कुछ समेटना है. मुझे बहुत आलस आ रही है यार, क्योंकि मेरी फ्लाइट है. तो मैं अभी तुरंत नहा कर आई हूँ, मुझे इतनी इतनी मुझे आलस आ रही है. मुझे इतना कुछ अभी सी मुझे इतना कुछ अभी समेटना है, और सारा सामान ऐसे पूरा एकदम बिखरा पड़ा है. सो एक्साइटमेंट देख रहे हो घर जा रही है, इतनी ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही है. अभी कितना बज रहा है, अभी 5 बज रहा है, और मैं फटाक से भी ऐसे मुझे अपने नेल पेंट्स भी लगाने हैं, क्योंकि मुझे फ्लाइट पे जाना है. उसके बाद फिर मैं देखती हूँ फटाफट फटाफट मुझे बैग भी पैक करना है. मैंने कुछ नहीं किया, इसीलिए बिना बकवास किए इससे बेटर होगा कि हम अपना सारा सामान समेट लें. और अब हम जा रहे हैं समेट लें. या अभी मैं जाऊँगी कल जो दिल्ली, फिर मैं आ जाऊँगी 6 को, फिर मैं वापस 7 को जाऊँगी. तो मेरे पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है, तो अभी तो मैं सब कुछ लेके नहीं जाऊँगी, बट मैं वापस जब आऊँगी तो फिर मैं सब कुछ, तो मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी मैं पैक करके रख दूँ, तो फिर आके मुझे ज़्यादा ये नहीं होगा पैकिंग करने में. तो आई एम थिंकिंग कि फटाफट फटाफट सारी चीज़ें पैक हो जाए. और क्या, मुझे इतना डर लग रहा है, वापस से मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है, वापस से मुझे सब कुछ पढ़ना है, और फिर से इतनी पढ़ाई सब कुछ वापस से. मुझे आईटीआई वाले दिन याद आ जाएंगे, आईटीआई जाऊँगी तो जब स्टार्टिंग में मैं वहाँ गई थी सब कुछ कितना अलग था, और अब भी सब कुछ कितना अलग है. सो इट्स वेरी यू नो, घर पे थी तो मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे सर पे इतना ज़्यादा टेंशन है, बट अभी जब इधर आ गई हूँ और मैं जब अभी घर जाती हूँ, क्योंकि आई टोल्ड यू अर्लियर आई एम अ गर्ल, तो मैं कभी निकली नहीं बाहर, और अभी मैं बाहर निकली हूँ और मैं वापस घर जाती हूँ, तो आई थिंक कि सब कुछ अच्छे से हो जाए. मैं घर जा रही हूँ, मैंने हाइप बना लिया यार इस चीज़ को. मैं फ्लाइट पे भी जाती हूँ, मैं सबको यही बोलती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, और बस देर इज़ अ सरप्राइज़ ऑल्सो, एंड वो सरप्राइज़ मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगी. अ बिग सरप्राइज़ जो कि मैं रिवील करूँगी टाइम आने पे, कुछ दिन में, एंड आई होप कि वो सरप्राइज सबको अच्छा लगे. इसके बारे में बाद में बात करते हैं, उससे पहले ये बात करना है कि आप लोगों ने छठ पूजा के टिकट्स कराए या नहीं, या फिर आप भागलपुर से हो तो जस्ट लेट मी नो कि आप कहाँ जा रहे हो, एंड बताना यार मुझे. और आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ यू, माई ऑल द फैमिली मेम्बर्स, माई रिलेटिव्स, नो. मेरा सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ही होता है, मेरा फैमिली इतना बड़ा है ना कि मैं अगर गिनवाने बैठूँ अभी तो मैं शायद नहीं गिना पाऊँगी, एंड आई लव बींग अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली. अलग ही मज़े आते हैं यार मुझे घर जाके, और स्पेशली तब जब यू नो मेरा नानी घर, जो जानते होंगे मेरे नानी घर के बारे में मैं क्या बताऊँ, मतलब हम सब साथ, सारे कज़न, यू नो जितने भी लोग मुझे जानते होंगे, दे नो कुकी दी, सीखा दी, आंचल दी, दिशा, इच्छा, टोस्टी, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड व्हेन आई विल गो होम आई विल मेक श्योर कि मैं सबसे आप लोगों को मिलवाऊँ. आई एम सो एक्साइटेड टू मीट देम ऑल. तो हमारा ऐसा ना मतलब मस्त सा ग्रुप है, तो
क्या बोलो यार, बस सोच के इतना अच्छा लगता है, ओ फाइनली आई एम गोइंग देयर, यू नो. जब कज़न का ऐसा ऐसे सब बैठ के रात में मस्त चुगली मारते हैं, हमारा चुगली नाइट होता है सबके बारे में, नॉट अ चुगली बट यू नो इट्स फन, क्योंकि अब सारे लोग बाहर रहते हैं, किसी को टाइम नहीं मिलता, और जब इतने महीने बाद हम सब एक साथ बैठते हैं तो पुरानी यादों को मेमोराइज करते हैं, वी मेक मैगी. एंड हाँ, जब भी हम जाते हैं ना तो हम लोग ऐसे हैं ना कि हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं एकदम ऐसे, कहते हैं ना बल्क में. सो इफ़ यू विल मेक मैगी, हम ऐसे हम लोग ना ऐसे ऐसे कढ़ाई भर कर ऐसे मैगी बनाएंगे, और फिर मतलब सब कुछ बनता है. मतलब हमारा खानदान ही इतना बड़ा है, वो भी मैं कम लोगों को ही गिन रही हूँ. मतलब ऐसा हो ही नहीं पाता है कि एक टाइम पे सब लोग एक साथ आ जाए, इतना बड़ा फैमिली, इतना बड़ा फैमिली है. पर जब गैदरिंग होता है ना भाई साहब, बहुत मस्त होता है, जो कि छठ पूजा पर अभी होगा. एंड ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड. देख रहे हो तो आई जस्ट, मुझे बस एक ही बात कहना है अपने फैमिली से, अपने फैमिली मेम्बर से, एंड एवरी वन आउट देयर, जब भी मैं घर जाती हूँ, एंड एवरी वन आउट देयर, कि आई लव यू ऑल. एंड मैं बहुत जल्दी भागलपुर आ रही हूँ आप सब लोगों से मिलने. बस यार भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और अब मुझे रेडी होने के लिए भी जाना है. मैं देखती हूँ कुछ खा पाऊँ, यार बहुत ज़ोर से भूख लगी है. यहाँ पर ना मेरे घर के नीचे एक साइड में एक वो समोसे वाले अंकल है, तो वो बहुत अच्छा समोसा बनाता है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं वहाँ से जाकर थोड़ा समोसे खाऊँ. मुझे बहुत मन हो रहा है समोसा खाने का, तो मैं फटाफट जाती हूँ या फिर देखती हूँ, मैं लेकर आती हूँ, घर में बैठ कर खाऊँगी. से हाय, से हाय लेजेंड, लेजेंड. मुझे नेल पेंट लगाना था. तो मैं रेडी हो गई हूँ अपने फ्लाइट के लिए, मेरी कैब आ गई है, और मैं भी पुणे जा रही हूँ. पुणे जाके फिर मैं तुरंत वापस आ जाऊँगी, उसके बाद फिर कल सुबह मेरा दिल्ली में 2 बजे फ्लाइट है दिल्ली के लिए, फिर मैं दिल्ली निकलूँगी. और उसके पहले मुझे कल के लिए पैकिंग भी करनी है, जो कि मैं आज रात को आने के बाद करूँगी. बस यही था मेरा आज का दिन, पैकिंग, घर की तैयारियाँ एंड ऑल. सो आई होप यू लव्ड दिस वीडियो. मैं चाहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, बट मैं क्या करूँ, मेरे रोस्टर ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं. बट ठीक है यार, जाने तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं करती हूँ. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड बाय बाय.